था, मैंने सपने देखे थे एक दिन तुम्हारा भाई एवरेस्ट करेगा। आज मैं बाहुबली पे मैंने बर्बादी के दो मंजर देख लिए। व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे आप लोग? मैं बहुत ही बढ़िया हूँ, होपफुली आप सब भी बहुत बढ़िया हो गए। सो अभी बजे हैं सुबह के 8:30, संडे है, मैं काफी जल्दी उठ गया। यूजुअली मैं संडे को इतना जल्दी उठता नहीं हूँ, मैं 11-12 बजे तक उठता हूँ। देखो आंखों से भी लग रहा हूँ ना, सोया सोया मतलब नींद में हूँ। क्या करूँ, उसकी यादें सोने ही नहीं देती। जस्ट किडिंग। हाँ, तो आज का प्लान ये है कि संडे था तो मेरे को लगा कि काफी दिन हो गए हैं, थोड़ा घूमने घूमने जाता हूँ। अभी एक बाहुबली हिल करके है, काफी ऑफ बीट प्लेस है यहाँ पे उदयपुर में, तो वहां घूमने जाने का प्लान है मेरा। सो आई एम गोना पिक अप माय फ्रेंड और उसके साथ फिर हम जा रहे हैं बाहुबली हिल। और बाहुबली हिल का सीन ये है कि आसपास एक लेक है, तो यू हैव टू क्रॉस दैट लेक। मतलब उसके साइड में रोड है, नॉट तैर के क्रॉस नहीं करना है, साइड में रोड है, यू विल क्रॉस दैट लेक। उसके बाद एक जगह पे गाड़ी पार्क करके यू हैव टू डू अ ट्रैक ऑफ अराउंड 15-20 मिनट्स एंड देन यू विल गेट अ ब्यूटीफुल व्यू ऑफ द उदयपुर सिटी। तो वो मैं आपको दिखाता हूँ आज। और ये मत सोचना कि बाहुबली हिल का नाम बाहुबली मूवी की शूटिंग हुई थी इस वजह से बाहुबली हिल है। नहीं नहीं मूवी से पहले भी इसका नाम बाहुबली हिल ही था, ठीक है? चलो दिखाता हूँ। सो अभी मैं भाई वाली लोकेशन पे पहुंचने वाला हूँ जहाँ आई एम गोना पिक अप माय फ्रेंड। तो भाई वैसे तो काफ़ी देर से वेट कर रहा है, तो जस्ट नाउ आई रिसीव्ड अ कॉल कि भाई कहाँ रह गए। तो कोई नहीं, करा दिया अब तो भाई को वेट, पहुंच के भाई से मिलवाते हैं। आ गया है भाई, कंफ्यूज हो गया था हमने डिसाइड किया था बाहुबली हिल्स जाएंगे और भाई नीमच माता के यहाँ पे वेट कर रहा है। ऊपर से भाई मेरे को कहता कि अरे यार मैं तो पजामे में आ गया। अरे भाई मेरी जिंदगी कच्चे कच्चे में गुजर गई। क्या हाल है? तो मीट माय फ्रेंड, नाम बहुत बड़ा है इसका, इतना बड़ा है नाम जानते जानते पहुंच जाएंगे। तो हिज नाम इज बन्ना पृथ्वी सिंह देवड़ा, सही बोला ना? तो चलो अभी हम अपनी जर्नी शुरू करते हैं। ये वो बाहुबली हिल्स वाली लेक नहीं है, ये है फतेह सागर, उदयपुर की वन ऑफ द मोस्ट फेमस लेक्स। उदयपुर में बहुत सारी लेक्स हैं, यू मस्ट नो उदयपुर इज नोन एज द सिटी ऑफ लेक्स, सो दिस इज वन ऑफ द लेक्स। और ये मतलब सबसे फेमस भी है, सबसे ज़्यादा क्राउड वगैरह जो भी सब है वो सब यहीं पे रहता है, सो यू मस्ट नो दैट, ताकि आप अगली बार आओ तो आप भी यहीं पे भीड़ मचाओ। तो अभी मैं ऑलमोस्ट मतलब बाहुबली हिल का जहाँ से ट्रैक शुरू होने वाला है उस एरिया में पहुँचने वाला हूँ। फ्रॉम देयर द ट्रैक विल स्टार्ट, वो ऊपर दिख रहा है ना, वहाँ से जस्ट मेरे साइड में जो मैं ब्लॉक की शुरुआत में मैंने बताया था ना, बड़ी लेक, बड़ी लेक, जस्ट क्रॉसिंग दैट लेक। देखो उदयपुर इज अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस, बट अगर आप मतलब दिल्ली और मुंबई से हैं और आपको नाइट लाइफ का बड़ा शौक है ना, तो आपको उदयपुर में नाइट लाइफ नहीं मिलेगी। लॉकडाउन के बाद तो बिल्कुल भी नहीं, जैसे मेरे भाई ने बताया, क्योंकि इवन मैं जब मैं जिम से आता हूँ तो इट्स अराउंड 9:15, तो मेरे को एक बंदा बाहर नहीं मिलता भाई मेरे घर के रोड के आसपास। कई बार तो मेरी फट जाती है, कोई आके बंदूक लगा देगा तो क्या होगा मेरा। पर शेखर ये देने को दे देंगे, मैले बहुत हैं, राजीव बाजी बहुत देते हैं हमें। हाँ, तो जोक्स अपार्ट, तो नाइट लाइफ आपको उदयपुर में बिल्कुल नहीं मिलेगी। एक दो क्लब्स हैं वो भी मतलब बहुत ज्यादा तगड़ी नहीं है। पहले व्यू देख लो, बहुत सुंदर है, वाह क्या व्यू है। ये है बड़ी लेक, ये बड़ी है इसलिए इसका नाम बड़ी है, या फिर जगह का ही नाम बड़ी है? बड़ी जगह का नाम। अच्छा, तो लेक बड़ी नहीं है भाई, ध्यान रखना। बड़ी भी है, फैली हुई है, लंबी है। अच्छा अच्छा, हाँ। बट अगर आपको ऐसे पहाड़ घूमना पसंद है, लेक्स वगैरह पसंद, मतलब इफ़ यू लाइक टू बी अराउंड द नेचर, सो यू विल फॉर श्योर लाइक द प्लेस। सो आई मस्ट से यू मस्ट विजिट दिस प्लेस। और हाँ, लोगों की ना बड़ी एक धारणा होती है कि राजस्थान है तो वहाँ पे सिर्फ रेगिस्तान ही होगा, रेगिस्तान ही होगा। ऐसा नहीं है मेरे भाई, रेगिस्तान आपको जैसलमेर की तरफ ही मिलेगा। हाँ, गर्मी बहुत मिलती है, वो गर्मी के टाइम पे मिलती है, लेकिन उदयपुर में गर्मी भी नहीं है। आई बीन हेयर फॉर द पास्ट 1 ईयर, मतलब एक साल अभी मेरे को हो जाएगा नवंबर में, बट गर्मियों में मेरे को ऐसा इतनी गर्मी फील नहीं हुई। सो अपनी वो धारणा मन से निकाल दो, राजस्थान इज अ ब्यूटीफुल प्लेस। देखा, मैं मेरे घर से कितना हार्डली 7-8 किलोमीटर आया हूँगा और लो ऑफ रोडिंग भी मिल गई। और क्या क्या लोगे भाई राजस्थान से, ठीक है? मेन रोड आपको दिखा दिया, झील मैंने आपको दिखा दी, ऑफ रोडिंग मैंने आपको दिखा दी, ऑफ रोडिंग भी देखो कैसे हो रही है भाई, लेक के जस्ट साइड में, मौज लो मौज। सो आई हैव रीच्ड द प्लेस जहां से अभी मेरा ट्रैक शुरू होने वाला है। मतलब ट्रैक सुन के ये मत सोचना बहुत बड़े वाला ट्रैक होगा, कुछ 15-20 मिनट का ही ट्रैक है।
तो आप किसने सोचा था उदयपुर में इतने मैसिव मैसिव पहाड़ मिल जाएंगे। ठीक है मैं दिखा रहा हूँ मैं, चलो और दिखा। चलिए शुरू करते हैं अपना ट्रैक। सो वी आर नॉट इवन हाफ वे थ्रू आवर ट्रैक। ठीक है और अभी से इतना सुंदर सुंदर व्यू दिख रहा है ना मेरे को, आप भी देखो। और फिर लोग बोल देते हैं कि राजस्थान में सिर्फ रेगिस्तान है। ठीक है इवन यस्टरडे आई वाज ऑन फोन कॉल विद अ फ्रेंड ऑफ माइन और वो कहती है यार तुम्हें पीने का पानी मिल जाता है। मैंने कहा भाई राजस्थान इज मे बी लाइक सेकंड और थर्ड मोस्ट पॉपुलेटेड स्टेट ऑफ इंडिया, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि वो बिना पानी के रहते हैं, अमर हैं वो, अमर नहीं। नहीं भाई सब मिलता है सब। मैंने अपना लास्ट ट्रैक किया था आई गेस 2021 के जून में, हाँ तो मतलब लास्ट ईयर के जून में, डेढ़ साल पहले। हाँ मतलब बड़ा ख़तरनाक ट्रैक सा था वो, हमटा पास ट्रैक, इट वॉज़ अ 5 डे ट्रैक। तो उसके बाद ना मैं अब ट्रैक कर रहा हूँ तो डेथ, और ये तो ऐसा कोई मेजर ट्रैक भी नहीं है बट ऑलरेडी डेथ आ गई है। कहाँ जब मैं हमटा करने गया था मैंने सपने देखे थे एक दिन तुम्हारा भाई एवरेस्ट करेगा, ये करेगा वो करेगा, अब पता चल रहा है भाई तुम बाहुबली नहीं चढ़ पा रहे हो। बट स्टीप है ना थोड़ा। एक तो मैंने पिछले 3 महीने में 8 किलो वेट बढ़ाया है तो शायद वही दुख दे रहा है भाई, मत बढ़ाना तुम। जस्ट नाउ मतलब मैं ऑलमोस्ट टॉप पे पहुंच गया था एंड आई गॉट टू नो अ थिंग कि आप बाहुबली पहाड़ पे अगर आपको चढ़ना है ना तो भी आपकी टिकट लगेगी, जान आपकी लग रही है, स्टेमिना आपका लग रहा है, मसल्स आपकी यूज़ हो रही हैं, पैसे भी आप ही दोगे साइट सीइंग के। पहले नहीं थे, दे स्टार्टेड दिस बकचोदी फॉर द पास्ट 4-5 मंथ्स, नहीं 4-5 महीने बोला ना उसने, कोई नहीं आए हैं तो देंगे पैसे। सो वी हैव फाइनली रीच्ड द टॉप ऑफ द बाहुबली हिल। ठीक है और व्यू यार सच में बहुत सुंदर है, सच में जिसको बोलते हैं ना सच में बहुत सुंदर है। यू कैन सी अराउंड, पहाड़ी पहाड़ दिख रहे होंगे अब, दिख रहे होंगे ठीक है, लेक दन लेक और उधर है उदयपुर सिटी, तो मतलब बहुत ही सुंदर जगह है। और ज़्यादा हार्डली कितना लगेगा, 1 घंटा लगेगा, आप 1 घंटे में बढ़िया चिल विल करके जा सकते हो। सो इट्स अ मस्ट रिकमेंडेड प्लेस और बहुत ऑफ बीट प्लेस है, बहुत ज़्यादा लोग आते नहीं है। अब फिर भी थोड़ा कमर्शलाइज हो गया है ये कि ज़्यादा लोग आने शुरू हो गए हैं, जैसे वहाँ भीड़ मचाई हुई है ना, भीड़ मचाने वाले ही हैं वो। सो यू मस्ट कम हेयर। और अब तो धूप काफ़ी बढ़ गई है तो हमें भी काफ़ी धूप से जल रहा है, बट अगर आप सुबह के टाइम या तो जल्दी शुरू करो या फिर मतलब धूप आने से पहले, या फिर आप शाम के टाइम आ सकते हो, इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस। और अभी तो ठंड शुरू हो गई है उदयपुर में, तो ठंड के टाइम पे तो बहुत मज़ा आने वाला है आपको शाम में, सो यू मस्ट कम हियर। तो अभी हम उस पॉइंट तक जा रहे हैं आगे तक। आई माइट हैव टू करेक्ट माई सेल्फ, आई एम नॉट श्योर, बट मेरे को ऊपर आके पता चला कि मैं ये बोल रहा था ना कि बड़ी लेक बड़ी नहीं है भाई, बहुत बड़ी है, ऊपर आके पता चल रहा है, वहाँ से शुरू हो रही है आगे तक जा रही है, फिर इधर भी आ रही है, इधर आगे तक जा रही है, तो सोचो कितनी बड़ी है, बहुत बड़ी है। मेरे को ना बस कुछ तरीकों के चूतियों से दिक्कत रहती है, आई एम सॉरी दैट आई हैव टू अब्यूज़ इन माई वीडियो, मैंने अवॉइड किया था कि अब से मैं वीडियोज़ में गाली नहीं दूंगा। ठीक है यहाँ पानी की बोतल है, यहाँ प्लास्टिक फेंका हुआ है, यहाँ प्लास्टिक फेंका हुआ, चूती हो गया, छोड़ो यार मैं गाली नहीं दे रहा कौन समझा, पर यहाँ से व्यू बहुत सुंदर आ रहा है, चलो और आगे चलते हैं। हाँ है तो ड्रोन देख रहे हो, वो पता है किस लिए यूज हो रहा है, दीदी और भैया का प्री वेडिंग व्लॉग हो रहा है, देख रहे हो बाहुबली हिल कितना फेमस है, लोगों में प्री वेडिंग शूट्स होते हैं यहाँ पे चोटी पे। आज में बाहुबली पे मैंने बर्बादी के 2 मंजर देख लिए। अब आप ये पूछोगे बर्बादी के मंजर क्या, जो प्री वेडिंग शूट हो रहा है उससे पहले जब मैं ऊपर चढ़ रहा था तब भी प्री वेडिंग शूट हो रहा था,
वो और कुछ नहीं, बर्बादी के पहले जो मतलब क्या बोलते हैं मज़े लेते हैं ना बर्बादी शुरू होने से पहले, तो वही चल रहा है बस, तो वही बर्बादी के ऑलमोस्ट मैंने मंजर देख लिए हैं। शांति भाई, माय विशेज आर विद यू बट आई थिंक दे वोंट बी ऑफ एनी गुड टू यू। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर लाइफ, मे गॉड ब्लेस यू। होली हिल्स मेरे को ना अलग अलग सरप्राइजेस दे रहा है। यहाँ पे भगवान जी का मंदिर भी है एक, मतलब हाँ कहीं भी हो सकता है भगवान जी का मंदिर, बट मेरे को नहीं पता था बजरंग बली जी। नहीं नहीं, सो 3500 फोटो क्लिक करवाने के बाद हम वापस जा रहे हैं अपनी गाड़ी के पास। हाँ ऊपर मतलब व्यू काफ़ी सुंदर था ऊपर से, नो डाउट, मतलब बहुत ही ज़्यादा सुंदर था। सो यू मस्ट कम हेयर एटलीस्ट वंस, ठीक है, तो एक बार तो ज़रूर आना, क्योंकि ऊपर चढ़ने का जो व्यू मिला ना भाई सच में बहुत सुंदर था, मतलब फील आ जाएगा आपको। एंड इट्स वन ऑफ द प्राइम लोकेशंस टू हैव फोटोज इन उदयपुर, मतलब मैं उदयपुर भी सर्च करता हूँ तो बहुत लोग वहाँ पहाड़ की चोटी पे जाके फ़ोटो वोटो खिंचवा रहे होते हैं। सो अभी हम वापस जाते हैं अपनी गाड़ी में, बैठते हैं घर की ओर निकलते हैं, आपसे हम आगे मिलते हैं। ऑलमोस्ट पहुँच गए नीचे, हाँ ये खड़ी मेरी परम सुंदरी, वाह क्या लग रही है, आ रहा हूँ आ रहा हूँ। सो हे गाइस, हम नीचे पहुँच गए हैं और अभी अपने घर के लिए वापस निकलते हैं। सो आई होप आपको आज का ये व्लॉग अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा तो गिव इट अ थम्स अप एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। मिलते हैं ऐसे ऐसे ही किसी नेक्स्ट व्लॉग में किसी अच्छी जगह के साथ, के लिए देखते रहिएगा वन बी ऑफ रोडर, बाय बाय।